Ah
जगदानंद जगत्मय विश्वव्यापक तन्मय मन्मय चिन्मय सर्वशक्ति महान श्रीमन श्री सत्य नारायण कपित्यर्थे सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल महाप्रभु पित्यर्थे सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि विद्या प्रदानी शक्ति प्रदानी झंकड़ वासनी माँ शारदा देवी कपित्यर्थे ग्रामर ग्राम देवती कपित्यर्थे सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल जगत गुरु श्री कृपालु महाराज पित्यर्थे राधा कृष्ण देव पित्यर्थे सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल सभा जनमानंकर यज्ञ नारायण अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता बाबू महानंगर देशर जातिर विश्वर परम कारुणिक प्रेममय भगवान कृष्ण मंगल विधान करंतु अनुष्ठान को दीर्घ जीवी करंतु अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता बाबू महानंगर मन पवित्र करंतु समस्त मनरे सत्यता रहु समस्त को शांति प्रदान करंतु प्रेम प्रदान करंतु वर्ष वर्ष धरी प्रभुंकर दरबार रे एमती लीला चली था ईश्वर मंगल करंथे समस्त नाहलप्त ग्रामर व्यवसायी बंधु मानकर व्यवसायिक जीवन उत्तरोत्तर उन्नति खंतु देशर जातिर विश्वर मंगल विधान करंतु समस्तंगो सत शिक्षा सत बुद्धि दै सत बाटरे परिचालित करंतु सर्वे बोल आनंद कबार हरि 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 बोल सत्य नारायण देव Yeah.
विघ्न हरंतु हेरंब चरण भुजंग नमः शांतकारं भुजंग शरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधरं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभ्रागं लक्ष्मी नंदन अमलानयनं जगरीभिः ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकीयनाथ भारत वर्ष आज गर्वित गर्वित हो सारी पालामाला मुखबंध कहले प्रथम भजन होड़ीशी हूँ से ओडिशी की आम अर्पण करू जा मैत्रे जत्क भूल जदि रही जाए तेल क्षमा करे मत सहयोग कर से ओडिशी रूप दे हे एक गाना सुभुचि मा काना जाऊ भरणा तारी
गोपाल को सुना जा नाउची मा भरणा करी बीतानारे गणे नारायण रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न नकर्तव्य पंचदेव आदरणीय पल्ला प्रेमी पिपासु भक्ति रस पिपासु ज्ञान रस पिपासु ब्रज रस पिपासु महानुभव धनरे आज हूँ पंचम रजनी पंचम रजनी प्रथम पर्याय प्रथम अर्घ्य पदार्पण कर महापुरुष अच्युतानंद मन शिक्षामूलक पदटी दिने न भजिलु राम ये नाम रे बाई मन दिने न भजिलु कृष्ण ये नाम रे बाई मन ये मर्त्य मंडले ये जन्म होइले ये मर्त्य मंडले ये जन्म होइले ये पुआ ये अवश्य ये जमा रे बाई
ठारे जल रे जे सने मोबाइल माना जननी जठरे जल रे जैसने मीन मोबाइल माना जल रे जैसने मीन मोबाइल माना जल रे जैसने मीन ए मळ मूत्र बेढे मध्य रे रहिलु ये देह
जांजरे खाली फेणाओ हाणी गयो हो ओ बाबू तू की उच्चाई गयो ए उच्चाई गयो हो कौन बाबू तू की मो पखरे समान है तुबो आ मासिका भारी मते जातो की कौन न जानतेला आ देखनो वो ऊपर से चढ़ी जाऊ तू बाप ने मो समय नष्ट करना बस चल बे आज खाली हो बाप कौन बसिया पई कहिबी मन रखी अर्थ दीदी से माइक सजा दी बर्तमान से विषय श्लोकर अर्थ बुझल श्लोकर अर्थ करल राति समय तोर खरा हलानी अरे लाइट क्या सको गायिका दी जन जाक एम छुंक हाथ मारे मत देखी ते किए पाल चेष्टा कर देवदेव महादेव दिनकर घटना भावीपुर जो राजनीति चलती एमएलए होती मंत्री होती जिंदाबाद सहस्र लोक बुल गाड़ी पेट्रोल जाऊँगी मानव मान देवता मान पचार ना मुझे कौन सी दल ठिया मो पथर से लोक बुले भी भक्त आउ सब भगवान नाम नि देवदेव महादेव ठिया देवदेव महादेव को नवीन बाबू मोदी बाबू किए इलेक्शन सब खर्च हो गला जेमती खर्च हो गला भाविले मन मन चिंता कले कले घर को गले पार बाड़ब धर्मपती पार्वती बाड़े चिंता कले जो गणेश अच्छी पेटुआ आउ जो छा मुंडारी कार्तिक अच्छी या खाया को देवी कौन आँचटा टाँह आज्ञा बल इलेक्शन से गुड़ा कायदा कर महादेव ना पांचटा टाँह आज्ञा बल से पांचटा टाँह धरिक गले कथा छिंछाड़ गले कटक छतरा बजार को छतरा बजार बैगण फलिला मान एम बैगण फलिला आज आपन को मीछ मत सत बैगण एमती फल तू कहीं दातौ मधी बैगण एमती फल गोटे टाटा आसिक धरले तीन चार चलने से छतर बजार को
ସଂସ୍କାର କଲେ ଗୋଟା ଷଣ୍ଢ କଣ ଖୋଲା ମାଉସୀ ଫୁରେଇଲା ସେ ବାଇଗଣ ମାନେ ଚାଷ ଭିତରେ ମୁହଁ ଲାଗିଲା ଷଣ୍ଢ ଚିନ୍ତା କଲା ମାଲିକ ତ ବାଇଗଣ ଏଠି କାଢିଦେଲା ବେପାରୀ ମତେ ଗୋଡେଇ ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଚାଟା ଆସି ପଛ ଧରି ବାଇଗଣ ଯଦି ଏମିତି ମିଠା ତାହେଲେ ଆ ଗଛ କେମିତି ହେଇଥିବ ଆ ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା କୋଉଠି ନା ବାଇଗଣ ଘେରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୁଡିଆରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ରାତି ଯାକ ଖାଇଲା ଗଛ ସବୁ ଯାକ ଷଣ୍ଢ ଏଇ ସମୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଗଛ ତ କାଲି ଏମିତି ନଥିଲା ଆଜି ଅଧା ଗଛ ଖାଇଲା କିଏ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି ଅଧା ଗଛ ଖାଇକରି ଅଧା ଗଛ ଖାଇଲା କିଏ ଆ ଚିନ୍ତା କରି ଖୋଜିଲେ ତାଙ୍କର ତ ବାହନ ବୃଷଭ ସେ ଖୋଜୁରୁ ମାପି ଦେଲେ କହିଲେ ଏଠି ବୋଧେ କିଏ ବୃଷଭ ଆସି ଖାଇଛି ଆ ଚିନ୍ତା କରି ଚଇତିକୁ ନେଇ ଚାହିଁ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟା ତିଆରି କଲେ ମାନେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଗୋଟା ଘୋଡ଼ା ବାଉଁଶ କାଟିଯାଇଛି ତିଆରି କରିଦେଇ ଗୋଟା ଧଳା ଚାଦର ପକେଇଦେଲେ ସେ ଷଣ୍ଢ ଯେମିତି ଉତ୍ତରା ପବନ ଯାଉଛି ଖାଲି ଏମିତି ଝୁଲୁଛି ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ହେଇଛି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଆଇଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ମୋର ଗୋଟା କିଏ ଆଣ୍ଟି ପାଟି ଆସି ଖାଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଘ କଲି ଇଏ ଖାଇଲାଣି ଆ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଖୋଳତଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇବ ଆ ଚିନ୍ତା କରି ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଉନ ଆ ଚିନ୍ତା କରି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଇଆଡୁ ଗଲା ଖୁରା ଖାଇକିରି ଇଆଡୁ ଗଲା ଖୁରା ଖାଇକିରି ଆରେ ସେ ରୋଲ ପୁଛୁ ନା ତୁ କାହାକୁ ମାରୁଛୁ ସେ ରୋଲ ପୁଟୁଛି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ତେଇ ପଇଲା ଆଉ ବାଉଁଶ ପାଟିଆଟା ଠିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଯାକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ନା କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ମାନ୍ତେଇକି ପଇଲା କାହିଁକି ବାଉଁଶ ପାଟିଆ କରିକିରି କୁଆଡ଼େ ଏଇ ସମୟରେ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଭାବୁଛି ତୋ କପଡ଼ି ତୋ ଅର୍ଥକୁ ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଳ୍କର ଅର୍ଥ ଏମିତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ କାଳିଆ ନାହିଁ କରୁ ନା 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 ମୋର ହେଇନି ତୋର ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ମୋର ହେଇଛି ଦିଦି ନମସ୍କାର ଦିଦି ନମସ୍କାର ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଭାବୁକ ବର୍ଗ ସମ୍ମାନୀୟ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନିସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍କଳିଆ ପୁରାଣ ତୋଷିଣୀ ପ୍ରକ୍ୟବାଦିନୀ ମୁମାରାଧ୍ୟା ଆର୍ଯ୍ୟ ମହିଳା ଗଣ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ସୁଶିକ୍ଷିତ ନବ୍ୟ ସଭ୍ୟ ମାର୍ଜିତ ସୁଆଲୋଚକ ସମାଲୋଚକ ମୋର ଯୁବକ ସମାଜ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଗନ୍ତୁକ ପାଲା ପ୍ରେମୀ କଳା ପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ମୋର ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଧନରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଦରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଛି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ପର ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ବାବୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେ ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର ସିଏ ଆଦି ଏବଂ ଅନାଦି ସେ ନିର୍ଗୁଣ ଏବଂ ସଗୁଣ ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମାରାମ ସନାତନ ଅଟନ୍ତି କଣ କହିଲେ ହେ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଏବଂ ଅନାଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପଦଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ବାବା କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ନାଦି ଅନାଦି କାରଣ ଏ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ଆରେ ଭଗବାନ ସଗୁଣ ଆରେ ଭଗବାନ ନିର୍ଗୁଣ
ब्रह्म आदि एवं अनादि निर्गुण एवं सगुण से आत्मा राम सनातन अटंती ताले बाबूरे परम ब्रह्मंकर स्थान होची महाशून्य रे आपण मानकर भगवत गीता रे जे व्यासद लिखिले कोन लिखिले परम ब्रह्मंकर रूप नाही कि रेख नाही कि कोनोसी रूप को आमे वर्णना करि परिबा नाही जति ब्रह्म अवस्था को जीवा ताले केमिति आपण मानकर भगवत गीता रे व्यासद लिखिले कोन लिखिले ना नतत भासयते सूर्य नस संग न पावक विवर्तन दे ये तो धाम परम हे मोर विचारक मंडली आपण माने विचार करिवे नतत भासयते सूर्य परम ब्रह्म जो स्थान रचंदी तांकु आज्ञा सूर्य आलोकित करि पारंदे नाही तांकु आज्ञा चंद्र आलोकित करि पारंदे नाही तांकु अग्नि आलोकित करि पारंदे नाही किंतु आज्ञा परम ब्रह्मंकर चंद्र सूर्य अच्छा तांकु मध्य आलोकित करि पारुछंती केतेबेले ना जेतेबेले से सगुण साकार रूप को धारण करंदी चंद्र सूर्य तोर बेनी नयन बाबूरे चंद्र सूर्य होची बेनी नयन किए ना भगवान कृष्ण परम ब्रह्म आखि दुईटा आज्ञा बेनी नयन आज्ञा चंद्र सूर्य सदृश जदि साकार रूप को आम विचार करवा तेना बाबूरे बेस किसी कहबे विषय वस्तु को जी बाबूरे परम ब्रह्मंकर स्थान केउठे आपण मानकर संत भीम भई लिखिले कोण लिखिले सुंदर भावरे पदटि लिखिले रेढ़ा खोलर कवि जातिरे कंध जन्म रु अंध आज संत भीम भई लिखुछंती कोण लिखिले हा ए से शून्य पुरुष ये अरूप्य अदृश्य ये नाही तार हाई छाई से परम ब्रह्मंकर आज्ञा हाई नाही कि छाई नाही से शून्य पुरुष ताले से केउठे अछंती से आज्ञा महाशून्य रे अछंती केमिते महाशून्य रे अछंती ना मने थाई व्यक्ति मने थाई व्यक्त हेले गर्वित मु बड़ मुढ़ चंडाल आपण मानकर संत भीम भई लिखिले स्तुति चिंतामणि काव्य सुंदर भाव लिखुछंती ज्योति रूप रे आज्ञा ढळ ढळ अवस्था रे बसिछंती परम ब्रह्म आज्ञा ज्योतिर्मय से महाशून्य रे बसिछंती मो बापा ठीक ना परम ब्रह्मंकर आज्ञा रूप नाही कि रेख नाही से आज्ञा ज्योतिर्मय तांकर रंग नाही से पुरुष नुहंत कि नारी नुहंत कि नपुंसक नुहंत ना स्तुति चिंतामणि काव्य संत भीम वही प्रमाण दौंट ना पुरुष तो न हो पुरुष तो न हो स्त्री न बोलाऊ नपुंसक नही था नंपुषक नुहंती आज्ञा स्त्री मध्य नुहंती ए विज्ञान भाई तू टिके ह मारुनु तू कौन आज एमिति घुमाउछु सेई कथा ना भूली जाई अच्छा जे परम ब्रह्म को जदि खाली पुरुष कहिबा कहिबा विश्व आज्ञा सृष्टि हेई परिबो ना परम ब्रह्म को जदि खाली नारी कहिबा ताले विश्व रक्षा हेई परिबो ताले कोन करबा कोन कहिबा कोन आदि जदि आज्ञा परम ब्रह्म को आमे खाली नपुषक कहिबा ताले ब्रह्मांड सृष्टि कला किए कान कोन खाइबे आ बसा घर खाइ कोले एठी कोन खाइले कोन सुधा हम बसा घरे काहीतिली आपण खाइ नथले अरे तू आडू सरु कथा कने कहि तू मागिले भाई के देथले मोर मन काहि तू मते एते मिछ कथा कहि बदलाम करू सारा बदलाम काहि आपण करबे आपण कर केडे केडेटा अछि हट मारी के तो गालो को केडेटा अछि का मने केडेटा अछि चिन्ही छु मते ताले आपण कहिबे कथा परम ब्रह्म को हम पुरुष कहिबानी कि जदो नारी कहिबानी कि से तीन नंबर जोटा छि सेटा भी कहिबानी माने जोटा ट्रेन ने बुलंती ए रे हीरो एटा भी कहिबानी ताले परम ब्रह्म कोन कोन
आपण मानकर नारायण उपनिषद प्रमाण देले कौन प्रमाण देले ना नैव स्त्री नहं पुं माने स नै चै बाया हं नंबुषक ह जद्यत शरीर माध्यते ये दोइते ना बा भेद हिते नैव स्त्री नहं पुं माने स आज्ञा परम ब्रह्म खाली पुरुष हे बारिबेनी नैव स्त्री नहं खाली नारी हे बारिबेनी नै चै भायां नंपुषक ह से नंपुषक हे बारिबे नाही जद्यत शरीर माध्यते हे कहते ना बाभी धियते ब्रह्म जे शरीर को जानती सही शरीर नाम रे मा नामित होंती समस्त घट रे परम ब्रह्म अछंती पुरुष देह रे अछंती नारी देह रे अछंती नंपुषक देह रे अछंती ब्रह्म जो शरीर को जानती सही शरीर नाम रे नामित होंती बाबरे सारे छाड़ परम ब्रह्म कथा कहुतिले कहुतिबा समय आम पई बहुत कम परम कारुणिक प्रेममय भगवान कृष्ण आज विघ्नेश्वर महाप्रभु से परम ब्रह्म आज अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता बाबू मान मंगल विधान करंतु समस्त सत शिक्षा सत बुद्धि दे सत बाटे परिचालित करंतु समस्त दीर्घजीवी करिथांतु अनुष्ठान उत्तरतर उन्नति हेउ आज देशर जातिर विश्वर मंगल विधान करंतु सर्वे बोल आनंद देखबार हरि बोल ए बाबा सुंदर भाव पदे पुराणा पारंपरिक दोहा कौन दोहा जेज पुराणा कथा गलानी आउ कौन अच्छी किंतु रही आज्ञा हाँ जमी बांका दास कहले श्रीकरपुर तक गलानी तो उड़ी खाली कना खंडे पड़ी अच्छे रही अच्छी पड़ी हाँ कहमा सरले कहीं उत्कले आउ तो बीणा न बाज से बीणा बाजुची खाली कपूर उड़ी जाए कना खंडिक पड़ी हरि नाम कुवसी ये मन भजो थार हरि नाम खिलो जाऊ साल पड़ू पड़ू ये द्रौपदी को रक्षा कल वस्त्र फेड़ू फेड़ू ये प्रहलाद को रखिल वस्त्र छिड़ू छिड़ू ये प्रभु निकट प्रभु अभाव को दूर ये भाव करी धरी थिल प्रभु ये मंदार ये भाव करी जमुना रे होइल तराई ये भाव रे वृंदावन रे चोराई लगाई Yeah.
बर्तमान मोर हुलहुली दल टी दरकार हुलहुली पटिया तमे हो तो हरिगल पटिया बाबू मैंने पान खाई से कहते जानते हरिगल पकेले पान कल पड़ अच्छा हरिगल पक मा मैंने मोर पान खाई खाली दूर से बोल देख मोर मान रखे नापुर ग्राम पांच दिन अच्छी सब माँ मान को मोर मातृत्व अधिकार तेणुक तुम कुआ तुमको राण दौची मो मान जमी रख ना दौड़ी जाइ मरी एम गोटे हूलाहुली पड़ो हरिबल को दबाई दवा दी पार्टी बर्तन हूलाहुली गोटा पटे आम जमी जितवा ना पुह तुम मर तुम कथ विचार बर्तमान तुम हाथ में दे बर्तमान मुझे रसी परमकरणिक प्रेममय भगवान कृष्ण संजय संजय बाबू मंगल विधान करंदु सर्व बोल आनंद कबार हरि बोल तले जानी को बप्पा सुई साइटे करियो ए ए देती कौन उड़ावली नै गली आपण कर हरि बोल देखिबा हरि बोल तमरा केते बेटा जाउछु मो हुलाहुली केते बेटा जाउछु अच्छा केसर कहार केते आ गोटा गोटा मन रखिबो जदी हुलाहुली न दबो आरो जन्म रे बेंगो हेगिर जानो बा अच्छा जेजे बस हरिबल देवे अच्छा जेजे पुरुष जाति सिंह पुरुष जुगे जुगे आगुआ से पाला वाला नारी माने झील पाला गायिका मान को पुह पिला पाला गायक मान पक्षर पकई दौरान सब क्षेत्र तेणु से आगुआ बोल कि सब आगुआ कम कर कौन टा अच्छे जानवाक चाहूना अच्छा देखा हरिबल पड़ो ये मुझे देखिए हरिबल अधिक पड़ोस ये कर जोड़ी जना Hey!
समय नष्ट करना तो डाकुचे आसे तो डाकुचे ए मंगू बाबू ना डाकुचे समय मो नष्ट करना जल्दी आ तू एमती बाहा पिया ढाबीरटा कौ पिला पढ़े ए संजो गल तक नहीं आसबू गलु अपंगाटे से कौ कूल रुह सी तू अपंगा नुह कौन अपदार्थ राज तक नहीं माने तो हाथ धरिया निहाती दरकार ना कौन एक वर्ग समत भव चतुर्वर्ग फलप्रद अनुलम विलम अभ्यान कुर्बंतु देव मंगल परम कारुणिक प्रेममय भगवान कृष्ण मंगल विधान करंतु दीर्घजीवी करिथांतु भविष्यत उज्ज्वलमय करंतु सर्व बोल आनंद कवार हरि बोल महावीर तत् संगे संगे कहतु साउंड टी मोबाइल भल सहज गोटे साउंड टी कले भल हम हाँ धनरे आज मोर जुवक भाई मैंने नाहलपुर बजार सेभेन स्टार ग्रुप सदस्य मान तरफ रु 511 टंका आज आउटी दि चार दिन है पाला जान कि बुझाबुझी हो पार्टी करनी पाला देख ए गुरा कोटी पार्टी सुबु थबो तू तो जाई कि तांके बगेरे बसी कि गपी सुन आ जाओ जाई देली बा सुनी जाई छी आ गया हां 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 बसी गप ने हां ए मां प्रत्येक नारी माने चाहंती कन्या पर एते रूपं माता वितं पिता श्रुत हां भवा कुल में चाहंती भगवान मित्र जना हां नारी माने चाहंती तांको झियर रूप सुंदर होइतिबा सॉरी तांका पुरुषर रूप सुंदर होइतिबा दरकार नारी माने चाहंती प्रत्येक नारी माने कोनो ना आमे जहा को विवाह करिवो पुवटीर रूपटा सुंदर होइतिबा दरकार आज्ञा बापा माने चाहंती मो जुवाई विद्वान होइतिबा दरकार माँ चाहे मो जुवाई धनी होइतिबो पेट पुराई खाइतिबो आज्ञा बंधु बांधव मान भल कूलशील घर पोटी को इच्छा प्रकाश करती शब्द समीक्षा दे कन्या बुधे शेष मचिंद प्रत्येक बापा मान चाहती मोर जो जुआई टे हब से जुईर बुनियादी गभीरता थी दरकार से जुआई विद्वान होता दरकार भल कूलशील घर पुअटी दरकार बाबू रे यही सब गुण परिपूर्ण थिले आपणकर झीटी को आपण से पुओ सहित विवाह देले आपणक झीटर वैवाहिक जीवन सफल हेब रे आपणक झीटर वैवाहिक जीवन सफल हेब किंतु राजकन्या रुक्मिणी आज बह राजकन्या रुक्मिणी बह चुकिया हो जा तार बापा माँ बड़ भाई झीटी को बह देवाई स्थिर कर आज्ञा क्यों झी क्यों पु ना विदर्भ राज्य राजकन्या रुक्मिणी सहित सेदी राज्यर शिशुपाल सहित बह आयोजन कर आज्ञा बह आयोजन चली अच्छा माँ बह प्रस्तुति चली प्रत्येक माँ मान पुओ झी बह दे पूर्व साहित्य संस्कृति
आम परंपरा रे आम भाषा रे आगे आम भारत रे जाईर गोड़ा प्रथा अछि आम भारत रे आम परंपरा रे काहिं कि जाईर गोड़ा हुए जाईर गोड़ा रु आम समाज रो कि उपकार हुए जाईर गोड़ा रु हुए कोन ସାର ମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲେଣି ଯଦି ମତେ କୌଣସି ହଇରାଣ କରୁଛି ବେକ ଚିପି ଦେବି ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ହେ ମୋର ବରେଣୀ ଉତ୍କଳିଆ ମା ମାନେ କାହିଁକି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାଇର ଗଡା ହୁଏ ये जाई रगड़ारु आमर समाज र की उपकार हुए मौसा की उपकार हुए की एठे टिके बिगन भाई छिड़ा हो जाई रगड़ा हुए काहे की ओढ़णी पका माता झियो को कहुछ राजकन्या रुक्मिणी रा विवाह आयोजन आज रुक्मिणी को पाखरे बसाई आज झियो टी को रुक्मिणी को आज आगे आज शिक्षा देउछ कौन शिक्षा देले ना हे रुक्मिणी ये जाई रो गड़ीला बेले तू टिके तळा चक्की पटा टिकु लक्ष्य कर काहे की मां तळा चक्की पटा टिकु आज्ञा काहे के झियोटी लक्ष्य करिवो ए मां सुनुथिबे ध्यान देउथिबे माटिया जेतबेले झियो को पाखर बसाई जाई रो गड़ुछ मां कहउछि हे रुक्मिणी तू टिके तळा चक्की पटा टिकु लक्ष्य कर बा मा ता झियो को काहे के आज तळ चक्की पटा टिकु लक्ष्य करबा को कहिला से लक्ष्य कले तळ चक्की पटा रा मुको मिलिबो को ना मा जे कहुछ कहछि हे झियो ये चक्की रे जाई रो गडिला बेले तळ चक्की पटा टि केमिति स्थिर हेछि देखिलु हां मा स्थिर ही रहिछि तेनु तो सासु घर को जेबो सासु घर केते कोनो झड़ झंझा बहि जेबो केते कोनो बाधा विघ्न सृष्टि हेबो तेनु तो सब किछि निरावरे सहि जेबो रे सही बाटा नारी मानक पक्षे बड़ धर्म अटे जेजे नारी मानकर सही बाटा होची बड़ गुण जो नारी दुनिया रे मा सहिनी से किछि पाइनी ये कथा मु कहुनी ये दुनिया रे सारे जिए सहिला से किछि पाइला ताले दुनिया रे किए पांती को माने पाई थिले तू पाई थिलु मु सहिली हां सिनहलता बारी की छारिली हां जानसिराणी साहू को पाइली हां गा गावली पाला जमा हजार की 1500 एंजा पाल एठियासी 7000 8000 पाउची मु सहिली बोली ना ओ तू सेठी सही थिलु धैर्य धरथिलु बोली आज मते पाइली तू तो गोटे बार बुला हे मोर बरण्य विचारक मंडली आपण माने विचार करिवे पल्ली कवि नंद किशोर बल सुंदर भाव रे आपण मानक पाखरे प्रमाण देले दुनिया रे जिए सहिला से किछि पाइला केमिति ने कहिबा लोक त ए महत नु होई ये महत सहिबा जन ये दुनिया रे आज्ञा जे कहिला से केबे बड़ा हेई परिबो केबे बड़ा हेई परिबो बापा केही केबे बड़ा हेई ना हमती पाहास बटिया मारी की बड़ा बड़ा कथा कपी देले केही केबे तार निजर गुण को जानिबे नि जे दुनिया रे सहिला ओए मा से किछि पाइला तेनु आपण मानकर कवि शेखर चिंतामणि महांती मध्यम प्रमाण देले कवि शेखर चिंतामणि महांती ए मा मंदिर को जाउछंती देवता दर्शन करुछंती दियो दर्शन करुछंती देवा देवी को पूजा करुछंती कोन शिक्षा पाउछंती एथिरु ये कथा को लक्ष्य करी आपण मानक पाखरे कवि शेखर चिंतामणि महांती सुंदर भाव रे प्रमाण देले विज्ञान बाबू कौन प्रमाण देले ना मौली ना पाथा
ये दुनिया रे जी सहिला से किछि पाइला केमिति ए ना आपण माने देवा देवी को दर्शन करुछंती पत्थर को हे मोर विचारक मंडली आपण माने विचार करिवे कारीगर खंडिये पत्थर आनिला निहाण मुनरे हातुड़ी प्रहार करी चित्र आंकिला मौसा से पत्थर खंडी को जदि कारीगर रो मुसला आघात को न सही कि भांगी गलाए खंडे पत्थर आनिला हातुड़ी निहाण मुनरे हातुड़ी प्रहार कर चित्र आंकिला तू मो मुह को चा तल को चाह कौन बुझी अच्छा ये दुनिया रे कारीगर आज जो पुनर्बार गोटे पत्थर आहाण मुन हाथुड़ी प्रहार कर चित्र आंकिला से पत्थर खंडिक आनी आमे माने देवा देवा देवी ऊपर पूजा करूछे जे पत्थर खंडिक कारीगर रो मुसला घात को सहिला से आज आम मानक पाखरे देवता रूप रे देवी रूप रे पूजा पाइले रे जन कहिबार उद्देश्य मा ये दुनिया रे पत्थर हेई गले चलिबनी पत्थर हेई गले चलिबो पत्थर भलिया सहिबो नहीं बाबा तेणु माँ कहूँ हे झील तोर कौन रोल सरीगला चकीरे जा रगड़ा बेले तू टे माणी खुंटी को लक्ष्य कर माणी खुंटी को लक्ष्य कर आज्ञा माणी खुंटी को आज माँ कहीं झील को कह लक्ष्य करने चकीरे जा रगड़ा बेले माँ कहीं आज कहूँ माणी खुंटी टा को लक्ष्य करने माणी खुंटी रे सारे कौन अच्छी कि जेजो माणी खुंटी रो कौन मूल्य अच्छी माणी खुंटी को जे छाड़ला ताकू के बे चकी आ गया पेसी पा चकी पेसी दबो माणी खुंटी को जे न छाड़ला ताकू आ गया चकी पेसी दबो अच्छा नहीं माणी खुंटी को जे न छाड़ला ताकू के बे चकी पेसी परिवानी माणी खुंटी को जे छाड़ी देला ताकू चकी पेसी देला ताले मु माणी खुंटी को छाड़ी देबी माणी खुंटी को छाड़ दे ना 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 कौन सासू घर को गले स्वामी के कुआडे छाड़ीबो नि दिन राती ताकु कुंढे की धरी बसे स्वामी किया की हूं स्वामी किया की हरा रो कोला स्वामी के तणु राजा कन्या रुक्मिणी को आज तांको मां कहिले कले हे रुक्मिणी ये चक्की रो माणी खुंडीटा जमिति मुख्य सासू घरे तो स्वामी हेले मुख्य रे केमिति मुख्य चकीर माणी खुंटीटा जमिति मुख्य ए मा मने रखंदो सासुघरे स्वामी हेले मुख्य केमिति मुख्य ये कथा मु आपण मानुकु कहुनी पाटी कहुची नारी को छाड़ी पुरुष पुरुष को छाड़ी नारी केही केबे रही पारिबेनी आपण मानुकु नै जाउची कवि सम्राट उपेन्द्र भंज प्रेम सुधा निधि काव्य रे पदटिए प्रमाण देले कोण प्रमाण देले छाड़ी कवि सम्राट
କାଠ ଭିତରେ ମଞ୍ଜ ଛେଳି ଭିତରେ ସେଇଟା କହିବି କଲା ଛେଳି ଭିତରେ ମାରିକି ତୁ ଗାଲ ପଡ଼ି ଦେବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀକୁ ଛାଡି ପୁରୁଷ କେହି କେବେ ରହି ନାହାନ୍ତି କି ରହିବେ? କଣ ଲେଖିଲେ ବାବାରେ? ରାଗ ଆସିବ ଚୋଖି ଚୋଖି କେମିତି ଆସିବ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଏ କି ବଡ଼ ହେ ବାନର ପତେ ପୋଲିସ ନାଇଁ। ହଉ ହଉ ରଖିତା କମେଡି କିଛି କିଛି ରଖିତା, ଆଗକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବୁ। ହେ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମୁନ୍ନଳୀ, ଶିଶୁପାଳ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି, ବିବାହ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ
ରକ୍ଷମିଣୀ କୁଆଚି ବେଶକାରୀ ମାନେ ବେଶ କରି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ରାଜକନ୍ୟା ରକ୍ଷମିଣୀ ଆଜି ମନା କରି ଦେଉଛି ଏ କୌଣସି ମତରେ ମୁଁ ଶିଶୁପାଳକୁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ ରେ ଏ ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାପା ତାର ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଝିଅଟି ଯଦି ମୋ ବାପା ମନା କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟି କଣ ହବ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଠିକ ରହିବ ଠିକ ରହିବନି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ ଗହଳି ହଉଛି ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଇଛି ସଖୀ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ସେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିଲାନି କାହିଁକି ଶୁଣିଲାନି ରୁକ୍ମିଣୀ କଣ ଜାଣିନଥିଲା ମୋର ବିଭାଘର ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନି ରୁକ୍ମିଣୀର ସଖୀ ମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସଖୀ ମାନେ ପଚାରିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରିଲ ସଖୀ ମାନେ ସଖିଲୋ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଏ ଶିଶୁପାଳକୁ ବିବାହ କରିବି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ହଉଛି ଜାତି ସ୍ମରା ରୁକ୍ମିଣୀ ସାର ଜାତି ସ୍ମରା ଜାତି ସ୍ମରା କଣ ନା ଥିଲି କଣ ହେଲି କଣ ଆଗକୁ ମୁଁ ହେବି କଣ କଥାକୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛି ସଖିଲୋ ଇଏ କଣ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ କି ଇଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ଇଏ କଣ ଜାଣିଛୁ କି ରୁକ୍ମିଣୀ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଇଏ ମୋ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ଇଏ ଜେଚିନ୍ ହେଇଥି ବବଉଳ ଇଏ ମାଳିଆ ସୁନାଲ ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛି ହେ ସଖୀ ଇଏ ଯୋଉ ପୁଅଟି ମତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି ହାଲୋ ଶୁଣିଲୁ ସଖୀ ହାଲୋ ସେଇଟା ମୋର ସୁନା ନୁହଁ ବା ହାଲୋ ସେଇଟା ସୁନା ନୁହଁ ସେଇଟା ପୁରା ବେଙ୍ଗି ପିତଳଟା କଣ ସଖୀ ଆମ ଦରମା କଟିବ ଆଲୋ ତୁ ଟିକେ ବୟ ଆମେ ତମଠୁ ସଜେଇ ସଜେଇ ଦଉଛୁ ତେଣିକି ତୁ ତୋର ବା ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ ତୋ ବାପ ଯେମିତି ଆମ ଦରମା କାଟିବ ଆଲୋ ସଖୀ ସଖିଲୋ ମୋର ପୁରା ପକ୍କା ସୁନା ଦରକାର ଇଏ ବେଙ୍ଗି ପିତଳଟା ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିବ ସଖିଲୋ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ ଇଏ ଯିଏ ପିନ୍ଧିଥିବ ପାଟ ଦିଶୁଥିବ ଝଟ ଝଟ ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛି ହେ ସଖୀ ଦେଖେ 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 ଇଏ ଯୋଉ ପୁଅ ମତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଛି ନା ଇଏ ଯୋଉ ପୁଅଟି ମତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆଲୋ ଏଇଟା ତ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ନୁହଁ ଲୋ ସଖୀ ମୋର ଖସି ଯାଉଛି ତୁ ଏମିତି ହନି
मोर सब खसी खसी जाउ आलो एटा पाट वस्त्र नुहलो आउ ताले एटा कोन मोर परा पाट वस्त्र दरकार एटा परा खंडिया कोना परी आलो एटा तो सत्त कथा एटा तो खंडिया कपडा टा भलिया दु छी तोरे एटा तो पाट वस्त्र भलिया दुसुनी ओटी काहा कहउ छी साखी साखी बोलो जणा करूनी दीदी परा सेई पट को थारी की कहउ छन से पट को बिलकुल कहबिनी से कांचन नानी कहि जाती त साबार कर देबी मु ताकू डरी डरी साइबी मु डरी साइली ता हेलो मु कोन कहउची सेपट को कहिरा को आ तमे केमिति लोक तो छाती रे लुगा रख हेलो मो रुवा टिके खसी जाउ हरो हां सखिलो हेलो एटा त छिडा कपडा ता भलिया देखाउ दी ए त पाटन में हेलो काहे कहउचू नै ताकु नु मु मोर दर्शक को जुवाडे लोटा आंगुटी गेकि दउ मु ताकु कहबी गाई की सुनिबी गाई अरे मु कोन मो भौणी के कहउची मु जानी छी आपण तम दि जण के भीतर संधि होय के अच्छा हमहु को खाली जा गोल मलिया करजो हेलो सखी सखी लो ये जी जे खाए खेरी खेरी सालो द्रबे नाही आता ये जो झिया ये जो पोटी आसी अछि मते विवाह करबा पई मोर तो दिन दिन आरिसा काकेरा दरकार हालो ये बरा पिया जी की तू काहे की लोभ करिवु एटा परा मांडिया चुना परी मांडिया चुना वाली हई छिलो ए पूरा को तोर दरकार नहीं मु कोना को विवाह करबी ना ना जा को ठीक हो ये मो पई उपयुक्त बर पात्र नु हो सखी माने एक कथा सुनी सारे एक कथा सुनी करे सखी माने कहले कौन कहले बोले आलो सखी हां आलो रुक्मिणी तू जदी एते कथा जानी पारुछु हां ताहले ये शिशुपाल को विवाह करबा पई हां तू काहे के इच्छा प्रकाश कर एते अग्रसर काई हेले तो बापा मा बाजा बाणो केते से फुटाई गिरी आउची तो बाप बाजा को फुटाई बाणो को बजाई आउची तो आ बाणो को फुटाई बाजा को बजाई हां सही गटी तू चाहे थिले अगर मना करी पारि थान हां तो से पुआ प्रति तोर इच्छा नाही ताले तो बापा मा को तू मना करिले मु ताको हैबी नी बोली हां सखी रुक्मिणी कहउची हे सखी मु हौची जाति सिमरा हिली कोण हेली कोण आग को हेबी कोण मु जानि छी तेनु हे सखी ये जन्म रे पराजिए जहार स्त्री ये परवर्ती जन्म रे सही तार स्त्री ये जन्म रे जे जहार पुरुष परवर्ती जन्म रे सही तार पुरुष रे था कहउ त तो आपण हां ना जा पाटी के आउ छी कह देउ तंदी केमि तु प्रमाण रे हम पाला होवेनी प्रमाण कर के देखाओ ए जन्म रे जिया जा स्त्री स्त्री आरो जन्म रे जे दो से मां तमरो जेमति हबो पुणी आरो जन्म रे मां तमरो जेमति हबो सेमति तमे तार हबो एई कथा कहि तंदी हे मोर विचार क मंडली आपण माने विचार करिवे हां एठे राजकन्या रुक्मिणी बिसना सखी मान को कहि देले हां ए जन्म रे जिया जाहार स्त्री परवर्ती जन्म रे सेई तार स्त्री हां सतरे कोन ये जन्म रे जे जहार स्त्री परवर्ती जन्म रे सेई तार स्त्री बिना प्रमाण रे अछि ना अछि प्रमाण अछि चला दुआ चला आपण मान को दे नै जाउ छी कवि सम्राट उपेंद्र भंज वैदेही सबिलास काव्य रे लेखिले पदटिए ये जन्म रे जे जहार स्त्री परवर्ती जन्म रे सेई तार स्त्री केमिति आज्ञा सुंदर भाव रे भंज सहित गोटिए पद हां ताहले आपण मान को पाखरे ये जन्म रे जे जहार स्त्री परवर्ती जन्म रे सेई तार स्त्री बोली राजकन्या रुक्मिणी ये कथा सखी मान को बुझाउ छी केमिति आज्ञा कवि सम्राट उपेंद्र भंज कोन लिखिले ए पुआ राग होची चोखी काकी काकी की घर ढोकी ढोकी की चोखी दिया ताले किमिति ना बोल गेले मु नी तोरीता ये बोले तारा का बिना सिरा है मोजा का ये बोले तारा का बिना सिरा है
से ठीक उसुमी बेले जन्म होइछ नै हे बरबरनीय विचारक मंडली आपण माने विचार करिवे ये जन्म रे पराजय जहार स्त्री परवर्ती जन्म रे सेई तार स्त्री सूर्य वंश रो महामहिम रामचंद्रंकर मधुसज्य विज्ञान बाबू मन रखु था ये सूर्य वंश रो महामहिम रामचंद्रंकर मधुसज्या कक्ष टी विचित्र आलोक रे चित्रित होइछि हाथी दंत पल्यंग रे मलिर गजरा बिछाई बसी छंदी जनक रहा जननी पति हित साधनी सूर्य वंशर कुलवध रामंकर मन हारिणी परमा सुंदरी दीप्ति महिमा सीता देवी रामचंद्र आसी पहुंची गले गले सीते हे सीते अरे ओढ़ना खोल तमे कौन मत जानी पारुछ तमे आज ओढ़ना खोल कथा कह आज्ञा प्रकृत रामचंद्र सीता देवी को चिन्ह नथिले ना सीता देवी रामचंद्र को चिन्ह नथिले किंतु सीता देवी को एक कथा कहिबार कारण नारी माने लज्जा काहे की करंती पुरुष मानकर कर्तव्य को बाटिया कथाटा बुझिबे तेणु रामचंद्र कहले हे सीते तुम बापा त्रिकाल दर्शी जनक परा मत राजसभा रे चिन्ह पार नथिले तमे कौन मत चिन्ह पारिबो तमे कौन मत जानी पारिबो तम बापा जनक केते बेले चिन्ह पारि नथिले ना जेते बेले मो गुरु विश्वामित्रंक सहित रे मो भाई लक्ष्मण मु तुम राजप्रसाद को जाईथिलु तुम बापा जनक मो गुरु विश्वामित्रंक यथा सम्मान जणाई पाछोटी नहीं कही थी कले हे विश्वामित्र ये पिला दुई जन किए पिला दुई जन किए बोले देखिले ये पिला दुई जन किए ना ये दशरथंकर प्रिय पुत्र राम लक्ष्मण टिके आगो को मारी जाउछि भलो भलो तेणु ये हेले दशरथंकर प्रिय पुत्र राम लक्ष्मण दशरथ कहुनु दस्थर कौन कह तेणु जिते बेले राजर्षि जनक कथा शुणिले रामचंद्र कहुचंदे हे सीते तुम बापा जनक पचारिले मो गुरु विश्वामित्र कहिले ये पिला दुई जन हेले दशरथंकर प्रिय पुत्र राम लक्ष्मण ये माने बाटरे आसु आसु गौतम नारी अहल्या को पत्थर उद्धार करिछंती ए माने ताड़का असुरी को वध करी हम यज्ञ रक्षा करिछंती ए माने साधारण पिला नुहंती ए माने कम जोरिया पिला नुहंती ए माने महान पिला एते कथा सुनी सारिबा परे तुम बापा जनक ये परा कहिले अरे बोइला देखिला देखंदु कौन हला विश्वामित्र कौन केमती अरे बोइले देखिले देखंदु माने कौन ना राजर्षि जनक कहुछंती कहले ये तो छोट पिला धनु उठे पारिबेनी यांक पाखरे समर्थ नाही जदि आसिछंती बसी देखंदु 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 जो देखंदु 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 आओ फेर ताक
ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଦିବସ ଏଇ ପଟକୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ତମେ ଯଦି ନ ବୁଝିବ ତମେ ତମର ନଉଚ ନିଅ ତୁ ଗୋଟିଏ କଳି ଏବେ ତମେ ନବ ମାନେ ମୋର ସ୍ଵାଗତିକା ଭଉଣୀ କି କହିଲି ତୁ ତ ସବୁ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ତୁ ଏତେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ବସା ଘରେ ଯାଇକି ଭଲ ମାନେ ଜନକ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବସିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂବର କେମିତି ଚାଲିଛି ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ ତେଣୁ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେ ସୀତା ହେ ତମ ବାପ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଜନକ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆଉ ତମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତମେ ତ ସହଜ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାପା ଯୋଉଠି ପରିଚୟ ପାଇପାରୁନି ଝିଅ ପରିଚୟ ପାଇବା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ତେଣୁ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସୀତାଦେବୀ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର ଭାବିଲେ କହିଲେ ଇଏ କାଳେ ମୋର ଆମ ବଂଶରେ ତ ଅଛି ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେଣୁ ସେଇ ସକାଶେ କାଳେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କି ମୋ ବାପା ଦଶ ଥର ତିନି ତିନିଟା ବାହା ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେ ହେଇ ସବୁଳାସ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କଣ କହିଲେ ନା ଜି ବାସର ରଜନୀ ଗୃହରେ ଆଜ୍ଞା ଦୀପଟିଆ ଜଳୁଥିଲା ସେ ଦୀପଟିକୁ ଛୁଇଁକିରି କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ନା ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଏ ଦେହ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆମକୁ ତେଣୁ ରାଜଗ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ସୀତେ ଆରେ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ମୁଁ ଏ ଦୀପକୁ ଛୁଇଁକିରି ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଏ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ କାହାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ହେ ସୀତେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଦୀପ ଛୁଇଁକିରି ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ସୀତାଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଥିଲି ଆପଣ ମୋର ବୋଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଦେଖିଦେଲି ମୂଳ କବି ବାଲ୍ମୀକି ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ନା ଏଠି ମା ସୀତାଦେବୀ ଲଜ୍ଜାଶୀଳା ସୀତାଦେବୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା ମଦଧୀନ ତୋ ଯଦ ଜନ୍ମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମା ସୀତାଦେବୀ କହିଲେ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି 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 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଦେଲି ଆପଣ ମୋର ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜୀବନର ଆପଣାର ବୋଲି ତେଣୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏଠି ପଦଟିଏ ଲେଖିଲେ ଇଏ ବଳି ନାହିଁ ଆଜି ଯାଏ ତ
बळी नाही आणि आजी जाए तो बळाई बाबरे तेणु माँ सीतादेवी कहले ये जन्म कौन सब जन्म दुई जन संपर्क तेणु हे मोर विचारक मंडली कहार उद्देश्य राजकन्या रुक्मिणी कहूँ सखी लो ये जन्म जे जहार स्त्री परवर्ती जन्म सीतार स्त्री मऊसा खाली कौन गोटे कवि मान प्रमाण दे चल कि खाली माँ सीता और रामचंद्र प्रमाण देदे आपर सन्तुष्ट हो पारे कि टे सत्य जुग को चलतु सत्य जुगर कथा क्यों नारी क्यों पुरुष को पाई सब जन्म नारी टे के पुरुष को पाए ये कथा राजकन्या रुक्मिणी सिना सखी मान को बुझेला ताले आम एथिरु शिखिबा कौन जानिबा कौन यार प्रमाण केते गुड़े कवि मैंने ताले कथा रहा कौटी ना कुमार संभव काव्य महाकवि कालिदास प्रमाण दे गोटे नारी केमिति पुरुष को सब जन्म पाउछ केमिति कुमार संभव काव्य रे महाकवि कालिदास लिखिले ए पुओ काव्य रे कौन लिखिले कालिदास कालिदास कौन लिखिले ना था माने ये नपे तो प्रजुक ये दक्षकन्या भव पोर पत्नी संभव काव्य रे महाकवि कालिदास प्रमाण देले मां पार्वती दक्ष यज्ञ रो उत्तर द्वार रे निज स्वामी देवदेव महादेव निज स्वामी शिव ठाकुर अपमान सह्य कर पारी दक्ष यज्ञ रो उत्तर द्वार रे आज्ञा सतीदेवी आत्मविसर्जन कर देले सती नारी रो अतृप्त आत्मा दक्ष कन्या सती रो अतृप्त आत्मा आज्ञा वायुमंडल रे घूरी बुलुला दिने हिमालय रे स्त्री मेनका गर्भ रे गर्भस्थ हेबा पाई जन्म नेबा पाई आज मेनका को सती देवी कहिथिले सती रो अतृप्त आत्मा जाय मेनका पाखरे पहुंची गला जेमिति आमे कहूँ आज कल हेई प्रेत आत्मा मु देखिली हेई प्रेत आत्मा मते कथा कहिले ये जो गुणीगारेड़ी माने जो तांत्रिक बाबा माने पेत्र प्रेत आत्मा को डाकुछन तेणु आज्ञा सी हूँ सती सती नारी एवं सी आत्मा आज्ञा गुरी बुलुची मेनका पाखरे कहिले कले हे मा मेना मु हूँ दक्ष कन्या सती स्वामी अपमान सह्य कर दक्ष यज्ञ उत्तर द्वार आत्मविसर्जन करदेली तेणु मु चाहूँ तो गर्भर टिके गर्भस्थ होगा ये माँ तू जदि मत जन्म दिंतु ना ताहले तो जीवन टा धन्य हो जाता जन्म दे पारू माँ तेणु से दक्ष कन्या सती मेनका गर्भर गर्भस्थ हो पार्वती नाम परिचिता हो आज्ञा पुनश्च देवदेव महादेव को विवाह करते माँ पार्वती विवाह करते जुगे जुगे केवल शिव ठाकुर को सारे शिव ठाकुर व्यतीत अन्य आज पार्वती विवाह करत तुलसीदास रामचरित मानस लिखिले रामचरित मानस पदटे संत तुलसीदास मो बापा कौन प्रमाण दे आज केते गुड़िया कवि आसुछन्ति आपण माने देखो खाली कौन गोटे कवि गाईदे चलो कि ना केते गुड़िया कवि मान को नुआणिले आपण माने फुलमालाटा गुंथिछन्ति गोलाप फुल कुसुम फुल आज्ञा रजनीगंधा फुल
केते वैरायटी रा फुलटा मिसेले फुलमालटा सुंदर होय होय ना नाही सारु फुलटा मझिरे देखले भलो आइ तण ठीक सेई भली ये विषय रूप को आज्ञा नारी को सजेबा पई हेले विभिन्न प्रकार कवि मानकर अलंकार आनि कि दबा पई पड़िबो बापरे केमिति संत तुलसीदास रामचरितमानस रे लिखिले कोन लिखिले ना जन्म कटे लगी रगर हमारे जन्म कोटे लगी रगरी हमारी मोर कोटिया जन्म बीती जाओ जे पर्यंत मो शिव स्वामी शिव ठाकुर मु न पाई से पर्यंत मो शिव ठाकुर मु न पाई मो कोनो सीमत रहे विवाह करबी नाही रहे मो काहा को विवाह करबी नी नाही मोर कोटिया जन्म बीती जाओ मु मो स्वामी शिव ठाकुर व्यतीत अन्य काहा को विवाह करबी नी द्वितीय पुरुष ग्रहण करबी नाही सत्य तेणु कहार रह कहार उदेश एक आखि आखि नुह एक साखी साखी नुह साखी की ताले टिके आसंतु सत्य युग कथा तृतीय युग कथा गला आज्ञा सत्य युग कथा गला तृतीय युग कथा जाइथिला टिके द्वापर युग को आसंतु द्वापर 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 युग रे आज्ञा राधा कृष्ण को पाइथिले काहेकि आपण मानकर देखुनाहांति कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सही वैदेही सबिलास काव्य पद टिके प्रमाण देले कौन प्रमाण देले बापरे आज कवि सम्राट उपेन्द्र भंज पद टे प्रमाण ना बल्लभी होइबा तुम्हें द्वापर रे तेणु जोगी ऋषि मानकर उद्देश्य को पूर्ण करबा पई आज रामचंद्र आज कहिथिले जोगी ऋषि मानक आशीर्वाद देथिले कहले देख तुम्हें द्वापर युगर नारी हब मुबी तुम कृष्ण पुरुष नाई आज्ञा द्वापर युगर आज्ञा राधा को मध्य पाई एणे राजकन्या रुक्मिणी को कृष्ण पाइबे बाबरे से कथा छाड़ी दियो सत्य गला तृतीय गला द्वापर जीव कली युग कथा टिके आसी ताले कली युग रे केउं कवि लिखिले ये जन्म रे जे जहार स्त्री परवर्ती जन्म रे से तार स्त्री सारे जते टिके सब कवि मानकर सब युग रो प्रमाण न दबा पालाटा कोन पाला भैया लागिवो कि ताले आपण मानको नै जाउछि डॉक्टर रमाया धर्मान सिंह पदटिया प्रमाण देले ये कली युग रो कथा ये कली युग रे नारी ता पुरुष को केमिति पाउछ कली युग नारी पुरुष को केत डॉक्टर मायधर मानसिंह पाख को बयस दरकार बाबूरे डॉक्टर मायधर मानसिंह कौन लिखिले बहुटिया मेडिकल रे पड़ी तार स्वामी जन सैनिक डाक्टर मान कहते तमें भल हेबन कथा टी कौन बाबा ना शुणी बजे प्रिय गोमर भस्म पासे देव हे तारे देहर छाई आसीब मोरा देव हे तारे देहर आसीब मोरा भस्म पासे तारी बज दे पद्म पद चलिब धीरे धीरे जन्म पुणे लभिला
मोर बरण्य उत्कलिया माँ मान आज बोहूटे तार स्वामी पाख को कर्तव्य रथ पत्र टे लिखुची तार स्वामी जने सैनिक डाक्तर माने कहउछन्ति से झियोटी को कले हे झियो तमे आ बंची बनी तमे अल्प दिन भितरे मरी जीव बहुटी मेडिकल रे पड़ी कैंसर रोग रे पीड़िता डाक्तर माने कहउछन्ति तमे आ बंची बनी बहुटी घर को फेरी ता स्वामी को पाख को पत्र लिखुची सेते बेले ता आज्ञा टेलीफोन नथिला ना चिठी टे जदि जाउथिबो मासे दड़ मासे कि दि मासे लागि जीव पहुंचिबा पाए तेणु आज्ञा से बहुटी कर्तव्यरत स्वामी का पाख को लिखुची ए सुनिबो जेबे प्रिय गो मोर प्रेषित म जगते नहीं हे मोर स्वामी देवता डाक्तर माने कहउछन्ति ये रोग आ मोर भल हेबनी अल्प दिन भितर मरी जी जदि मु मरी जाए आपण तो देश सेवार अच्छा आपण तो जड़े सैनिक आपण कौन एत शीघ्र छुट्टी आण के आसी पारे जदि मु आपण को अनुपस्थित रे मरी जाए छुट्टी आनी घर को आसी मो देह जलु जुई निकट रे आपण को छायार स्पर्श दे मोर आत्मा को टिके आनंद देबे शांति देबे पारिब जदि पद्म पद चालिब धीरे जदि प्रकृत रे आपण अनुभव करूथिबे मु आपणकर सबु जन्मर स्त्री आपण मोर सबु जन्मर स्वामी बोली ताहले मु सहित रे आपण चली जाई पारंती तेणु ये सिना गोटे संसारी बहु आम मानक आम मानक चिंताधारा अनुसार पुरुष पाख को लिखा पत्र जे आपण मो सहित चली जाई पारंती पारिब जदि पद्म पाद चालिब धीरे जदि प्रकृत रे आपण अनुभव करूथिबे मु आपणकर स्त्री ताहले पद्म पाद आज्ञा टिके शरीर तत्व उपरकु जानतु शरीर तत्व उपरकु गले टिके जिबा ये शरीर भीतर जीवात्मा रूपक नारी को ये परमात्मा रूपक पुरुष को आज ये जीवात्मा रूपक नारी टी कहुची कौन कहुची हे प्रभु जीवात्मा रूपक नारी टी आज कहुची हे प्रभु जेते बड़े मरण समय मोर आसीब मनीषर मृत्यु समय आसिले से परमात्मा को कौन कहवा दरकार ना पारिब जदि पद्म पाद चालिब धीरे हे केशव हे दीन बंधु जदि मु आपण को चिंतन न करि पारुछि मु त माया संसार रे जड़ित होइछि तेणु आपण मोर मृत्यु समय रे आसी आपणकर पाद पद्म को टिके मो बक्ष ऊपर रखि दियंतु भुवनेश्वरर कवि आपण मानकर भुवनेश्वरर सांसद डॉक्टर प्रसन्न पाटसाणी गोटे पद मन पड़ जा हाँ बाबाजी बाबाजी भारी सम्मान दे कह रे जहाँ को सारा ओडिशा मानुछि डॉक्टर प्रसन्न पाटसाणी लेखा कड़े सुंदर पद आज जीवात्मा रूपक नारी टी ता पुरुष को कहुची अंतिम समय रे कथा कौन कहिला ना कागज ऊपर पद्म रो पाद जेउ परी आंके कवि कागज ऊपर पद्यर पाद जेउ परि आंके कवि कागज ऊपर जमिति कवि टिए पद लिखि थाए
ठीक सही भली ये फूल उपरे भ्रमर जेतबेले मधुपान करू थाए बसिकिरी आ ग्या फूलटी दबी जाई थाए ठीक सही भली हां ठीक सही भली आज आपनकर पाद पद्म कुमो वक्ष ऊपर बढाई दियंतु कागज ऊपर पद्यर पाद जेउ परियांके कवि फुलर ऊपर भ्रमर पाद से ही परि जाय दबी हां ए पहाड़ ऊपर बौदर पाद से ही परि बाजु थाउ पहाड़ ऊपर बौदर टेबाद बौदर पाद जमिति बाजी जाउची ठीक सेई भली तो पाद टिके मो छाती पर थोई दे मो टिके निर्वाण पाइबे रे कोन कहिबार उद्देश्य ये जन्म रे जे जहार स्त्री परवर्ती जन्म रे सीता स्त्री ए कथा को कहुचे के आ क्या ना आपण मानकर राजकन्या रुक्मिणी सखी मान को कहिला कला सखी लो ए सखी ये जन्म रे जे जहार स्त्री परवर्ती जन्म रे सेई तार स्त्री ये शिशु बाल को मु केबे हेले विवाह करबी नाही अच्छा विज्ञान बाबू आज्ञा एठी मोर सार मानकर बाबा मानकर मौसा मानकर मन रे प्रश्न आसुदिबो हां हां तू जानि छी तू जानि छी आज काई छेड़ा हम मु पाउनी बा बाबू माने बिगुड़छन कोन से बाबू काई मोर छियाई जतन कहलो के छेड़ा न होले सार हबो हबो गायक मान को बा सहयोग करिवे आउ हम रसभग्न हे जाउछी नाही दीदी हां आपण खाली कोंतु माने एते एते निर्जा देले वर्तमान निर्जा सा आसिला टिके मन रखंतु निर्जा सा केते केते भलो भलो निर्जा सा देला सगुरा बुझिलु हां दुई तीनटा कथा मो मन को आउछ कोन मन को आछ माने टुपटा पाउतला मो काले रे पडुछ कोन पडुछ माने ई जो बासर घर रे जो दीप जळे र आउ बासर घर रे जो नोटाटा थुआ हुए के नडिया पोडा नडिया थुआ हुए एई कथा को कोंतु तापर हमर विषय वस्तु को दिबा से भाव माने पेंटिंग हेलु तू कोन गायक मते प्रश्न करिवु मो कथा कोन कहछ तू कथा कोन कहछ हां 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 कोन ने आपण कोन मु काठे तो बेका चिपी देले तू जाई चेता पाइबो चिपीला मरजी भी मोर मो बाबा मानंकर मन रे प्रश्न आसुथिबो हां कोन देखिया कोन प्रश्न ना जति जने कवि लेखिले कवि लेखिले कोन मोर कांधरे तू हाथ पकिबो मु कहली बदस केल एमजी बिस्वाना कोन तमे कांधरे पकाइ दे तो मु हे मोर बरन्य विचार कमनळी जति ए जन्म रे जे जहार स्त्री परवर्ती जन्म रे सेइतार स्त्री पौराणिक मत आपण माने पाइले पाइले ताले विचार करंतु ए कोळी युग रे जो नारी पुरुषंकर संसार हां जे जा वर्तमान जो नारी पुरुषंकर बंधन हेउची हेउची विवाह बंधन ये कोळी युग रे गोटिए पुरुष गोटिए नारी को सब जन्म रे पाइबो बोली बोली किए केबे प्रमाण देई परिबे कि ग्यारंटी अछि किछ ग्यारंटी अछि ना तो जदि प्रति जन्म रे जदि ये जन्म रे जे जहार स्त्री परवर्ती जन्म रे सेइतार स्त्री जदि सब जन्म रे जणे जण कर ताहाले ये कोळी युग रे गोटिए नारी निज पुरुष को छाड़ी अन्य पुरुष को विवाह करूची काई की विवाह करूची गोटिए पुरुष तार नारी जदि आसिके मासक भीतर विवाह कर हेच को कोउ दिन को माने बेळ खराब पे पड़िले पुओ माने विवाह भीतर मध्ये चली जाउछ हां आज्ञा नारी माने आज्ञा केत बळे जदि मासक विवाह कर मास हे नथिबा आज्ञा पुरुष माने मरि जाउछ आज्ञा बापा माता को रखुचंत कि से झियो कुता सासु घरे ताकु नै आछंत आ गुटे पुरुष हाथ रे छमि देउछ बापा मासे दुख सहि करबे त जडा लडा नै खंदि देबे जे जा गोटिया ये जो कलि युग रे ये भारत वर्ष रे गोटिया पुरुष गोटिया नारी को विवाह करछि कि ना केते गुडिया नारी को विवाह विवाह करूछ नारी के मरि गला पर पुनर्बार पुरुष विवाह करूछ मो स्त्री केवल मते विवाह करती आ का को विवाह करिवनि वाली शपथ नै छी तमे एमिति से मरि देखू अच्छा तो स्त्री शपथ करछि सिना अच्छा तो स्त्री सती नारी शपथ कर देला सती नारी से तो स्त्री जति मरि जीवो हां तू कोन विवाह करिवनि ना खबर रहिवो पाला रे बुलुची पाला रे बाबे कोटा आखी की पड़ी छी कोन जा खोलेबो चाहू छी जदि ताको डायबिटीज हे छी चली जांता कोन करू ताले भाग हबो मु कोन से डायबिटीज ला बोला मला मु से मेढटा को नै रखिबो ओ मो संस्था केन चलियो राह तो संस्था केमिति चलिबो आ केन चलियो मो छुआ पिला उपर रखियो के मु
हे मोर वरण्य विचारक मंडली जदि सब जन्म रे जणे जण कर ताहाले हम भारत रे इंग्लैंड रे अमेरिका रे आज्ञा कांटेक्ट मैरिज चली छी आज्ञा ये भारत रे गोटे पुरुष ता नारी मरी गला परे पुनर्बार विवाह करूछी गोटे नारी ता पुरुष मरी गला परे विवाह करूछी वर्तमान कलि युग रे स्त्री आज्ञा पिला दीटा जन्म देकर टीवी पेपर आपने देखुवे न्यूज शुणुवे स्वामी था था स्वामी मान को छाड़ दे कि आलग पुरुष सहित चली जाऊा के दूर आज्ञा जुक्ति जुक्त के ठीक शास्त्र तो ये प्रमाण दे जड़े जण कर कली जुग रे जड़े जण कर पुराण कथा टीम परंपरा नष्ट परंपरा कहीं हिंदू धर्म लोक मैंने पुराण कथा को मानु नहांती कारण कौन जदि जड़े जण आज ये गोटे पुरुष अनेक नारी को विवाह करते गुड़े नारी को कहीं ग्रहण कला या दायी किए आपण मानकर मालिका 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 कली युग नारी पुरुष संपर्क कली युग नारी पुरुष सुसंपर्क अच्छी ना केमी अच्छी आपण मान ठाकुर अभिराम परमहंस बद टे मन पकईदे कौन मन पकईदे अभिराम परमहंस कौन लिखले ना पति की पत्नी सब जन्म कि प्रमाण अच्छी अभिराम परमहंस लिखले कौन लिखले ना कली युग पति पत्नी सुसंपर्क ना अच्छी चली चल शेष को सरकार एमती विरक्त हो गले वकिल जज विरक्त हो गले छाड़ी देले एणिकी कथाटा कहे एणिकी गोटे पुरुष चाहिए नारी को विवाह करि परिबो गोटे नारी चाहिले सब पुरुष को विवाह करि परिबो केस तो खाली केस आसिला करिबे कोन सब आज्ञा छाड़ी देले तन कहिबार उद्देश्य ताले पति को पत्नी आ मानुनी स्वामी मानु को नारी माने फादरे खटौछु भाई भाई भितरे आउ सुसंपर्क नाही भाई भाई भितरे पाचेरी पड़ी जाउछि ग्राम ग्राम रे आउ न्याय मिलुछि मौसा ग्राम ग्राम रे जो मीटिंग होतिला न्याय मिलुछि कहीं के न्याय मिलुनी आज्ञा गोटे ग्राम को गले आज्ञा बहुटी आज्ञा गंडगोल होइछि परिवार विशृंखलित होइछि से गाँव रे बेसी राजनीति आज्ञा चले राजनीति एते चले जे कांग्रेस वाला जति कि बीजेडी वाला सत्य की बीजेपी वाला सत्य की कम्युनिस्ट पार्टी वाला सत्य की सब आज्ञा कई का उणा नुहत
ବୋହୁର ଗଣ୍ଡଗୋଳଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବ କିଏ? ବସିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ହବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇ ବସିବ। ବୋହୁ ଘର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ଆଜ୍ଞା, ବୋହୁର ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଣେ ମୁଖିଆ ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, କହିଲେ କିଏ କିଏ ସବୁ ବସିବେ? ଏପଟରେ ସବୁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ବସିଗଲେ, ପୁରବୀ ମାନେ ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବୋହୁର ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଡାକିଛ? ନା ଏପଟେ ବିଜେପି ବାଲା ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ଏପଟେ ବିଜେଡି ବାଲା, ଆମେ ବିଜେଡି ବାଲା ବସିଛୁ। ଏପଟେ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା, କହିଲେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ବସିଛୁ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବାଲା, କହିଲେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବାଲା ବସିଛୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା ଲୋକ କହିଲେ, ଆମେ ସହଜେ ତ ଝିଅ ଘର ବାଲା ଆମେ ବସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତ ସବୁ ବାଲା ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ତ ବସି ନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଠି ଗ୍ରାମ ବାଲା କାହାନ୍ତି? ଏଠି ତ ସବୁ ବିଜେପି ବାଲା, ବିଜେପି ବାଲା, ବିଜେଡି ବାଲା, କଂଗ୍ରେସ ବାଲା, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବାଲା, ସବୁ ତ ଏ ପାର୍ଟି ବାଲା। ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଲା କୁଆଡେ ଗଲେ? ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ। କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି କଣ ନା ରାଜନୀତି କଥା। ଯୋଉଠି ରାଜନୀତି ସଭାରେ ପଶିଲା ସେଠି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ମୀମାଂସା ହେଇପାରିବନି ରେ। ସ୍ୱାମୀ କି ପାଦେ ଖଟାଇବେ, ଭାଇ ଭାଇର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ କଣ ହେବେ? କଣ ହେବେ ନା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସ୍ତତି ହୋଇବେ, ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇ। ସୀତା ପରି ସତୀ ନାରୀ ମାନେ ଅସତୀ ହେଇଥିବେ, ସୀତା ପରି ସତୀ ନାରୀ ମାନେ ଅସତୀ ହେଇଥିବେ, ପର୍ବତରେ କଇଁ ଫୁଟିବ ବାବୁରେ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଫାଟିଯିବ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ନାରୀ ମାନେ ହେବେ। ମାଳିକା ଉପରକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ ବାବା, ସେଆଡ଼କୁ ଯିବାନି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଏ କଳି ଯୁଗର ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର କାହିଁକି ଆଜି ସୁସମ୍ପର୍କ ରହୁନି? କାରଣ ନିଜ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ଅନେକ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରୁଛି? ଆପଣ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦେଶର ନାରୀମାନେ ଚୁକ୍ତି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ 5 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 10 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 15 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ବିଦେଶରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନା 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 ନା, ଇଏ ବିଦେଶରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ନାହିଁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଟା ଆମ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମେ ମାନେ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲେ ଆମେରିକା ନାରୀ ମାନେ ଭାରି ଖରାପ, 5 ପୁରୁଷ 10 ପୁରୁଷ, 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଚୁକ୍ତି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତି ବିବାହ କଣ ଆମେରିକା ଲୋକ କରୁଥିଲେ? ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଚୁକ୍ତି ବିବାହ ହେଇଛି। କେମିତି ଭାରତରେ ଆଜ୍ଞା ଚୁକ୍ତି ବିବାହ ଚାଲିଥିଲା କେତେବେଳେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହିକ ବିଳାସ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଏ ଭାରତରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଚୁକ୍ତି ବିବାହ ଅଛି। କେମିତି ନା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। କଣ ପ୍ରମାଣ? କଣ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିଲେ?
ना ये संसार रे कांटेक्ट मैरिज भारत रु आज्ञा सृष्टि हिच केमिति ना रावण रो समय होई गलाणी वैकुंठ प्र को जीवा पई रावण चिंता करू छी एई समय रे आज्ञा मंददोरी आसी पहुंचिला हां कवि सम्राट उपेंद्र महंज लिखु छंदे या विलासवती जुवती ए पुआ विलासवती जुवती ये वैकुंठ रे मोर हरे समय होई गलाणी वैकुंठ पर कु जीवा पई आ ए मा रावण चिंतित रावण चिंता करूछि राती पाहिले मु मोस आज परमम रम रामन को पाइबी राम को बिना मोर कहानी अधा राम को छड़ा मोर किछि गति मुक्ति नहीं राम को बिना मु मरि जीवी राम को बिना मु मरि जीवी तेणु आज रावण एक कथा चिंता कला बेले मंददोरी आसुची पाद सेवा करिबा पई मंददोरी आसिला पाद सेवा करिबा पई पद सेवा करिबा पई आसिला बेले रावण कहला हे मंददोरी चढ़ीबू बसिकरी सेवा करलु हे मंददोरी तुम्हें मत आओ छुओना 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 रावण कहुछंदी कले मंददोरी तमे मते छुओना 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 काहे के छुई बने जानी छ राती पाहिले मु वैकुंठ पुर को जीवी मो प्रेण प्रिय प्राण संगिनी वैकुंठ पुर अपेक्षा करिछि सेहि आमे दुई जण मिसी प्रभुंकर सेवा करिबु तेणु हे मंददोरी प्रकृत रे स्वामी की मुण तुम प्रकृत रे पति की अरे मु तुम स्वामी नुह कि तुम्हें मोर स्त्री नुह तुम्हें मोर पति नु मु तुम पति नुह कि तुम्हें मोर पत्नी नुह उपपति मंददोरी मु तुम कहीं उपपति हेले जानिछ मंददोरी तमे परा प्रथमे बाली को जीवन दे भलो पाउथिलो बाली को जीवन दे भलो पाउनथिलो तेनु जे बाली को जीवन दे भलो पाउथिला ता थारु आसी मते विवाह करिछि तेनु हे मंददोरी पुनि चली गला परे तमे परा विभीषण को स्वामी रूप रे वरण करिवो तेणु मु तुम पति नुह कि तुम्हें मोर पत्नी नुह तेणु जेज कहार उद्देश्य चुक्ति बहुत किए कर सब भारत रु सृष्टि तेणु कहार उद्देश्य कली जुगर नारी पुरुष सुसंपर्क आब केम ना महाकवि माघ माघ साहित्य प्रमाण दौरान कौन प्रमाण दे प्रकृत रे कली जुगर नारी पुरुष सुसंपर्क छाड़ी दियो माघ कवि श्लोक टे प्रमाण दे जोशीत प्रकृति सुनिश्चला पुमान समभेति भवान्तरे स्वपि बाबूरे कली युग रे सती नारी निश्चल प्रकृति द्वारा सतीत्व द्वारा ता पुरुष को से सब जन्म रे पाई परिबो रे तेनु मो बापा राजकन्या रुक्मिणी एठी कहुची को जे सखिलो ये शिशुपाल को मु कोनोसी मतरे विवाह करबि नाहि रे ताले काहे कि विवाह करबिनी कारण ये मोर प्रकृत स्वामी नुह ये मोर प्रकृत स्वामी नुह कि मुदार स्त्री नुह स्त्री शब्दर अर्थ कौन स्त्री कहले त्रिकाल सुंगिनी पुरुष अतीत भविष्य वर्तमान साथी जे पारंती जे प्रकृत रे स्त्री रे
मोर प्राण बंधु किए सखी माने कहते सखी रुक्मिणी आलो तोर जदि प्रकृत रे प्रियतम किए अच्छा फोन कर बारिपटे आसिक तते जल्दी नहीं पलैबो आउ तमे सखी नै कि कतळी गथ पाखु जे से तमको बारिपटे धरि पलैबो भल कथा कहउछु आउ हे मोर विचार कमंडली आपण माने विचार करंतु राजकुमार रुक्मिणी कहउछे कछि सखिलो मु कोन ये विवाह घर रे प्रस्तुत थिले कि विवाह हे करबा पई सखी माने कहचंदी ए आलो रुक्मिणी तोर जदि बाहा होवार नथिला ताले एते आयोजन करूथिलु काहे कि तमको भाई तो मना करि गई थांदु मु बाहा बिनि बोली कारण कौन तु कहीं अनुमति देउथिलु हसीदेला रुक्मिणी कला सखिलो तो पार्टी तो भिटुनी रे पान पुरी था खाली सखिलो सखी मु कोन मोर विवाह प्रस्तुति जो कार्य करूछंती मु मना करिन थिली मना करी थिली मना करी थिली मना करी थिली केतो बले मना कर थिली जानी छो मु मोर विवाह आयोजन बंद करी थिली शिशुपाल को विवाह करबी नाही बोली एक कथा कहि थिली केते बले कहि जबरदस्त मत बाप भाई बहु दौंधे मोर विचारक मंडली बहुत देवा पूर्व झील पुअर मत ना दरकार तेणु राजकन्या रुक्मिणी कहते सखी मान शुण दिने मो भाई रुक्मण मो पाख पत्र टे लिखि पठाई एटा को टिके साउंड दौना आउ टे भल कहीं कमाऊँ का साउंड दिला से आपणकर पाला सुटिंग विचारक मंडली आज रुक्मण मो पाख को पत्र टे लिखि पठाई थे से पत्र कौन लेखा था रुक्मिणी हरण महाकाव्य हरिदास सिद्धांत बागीश प्रमाण दे हरिदास सिद्धांत बागीश कौन कहले ना जी रुक्मिणी आज पत्र पढ़ुच पत्र टी पढ़ुच कह सखिलो दिने मो भाई रुक्मिणी कौन लिखी थे शुण कौन लिखी थे ना प्रणय रम घोष ए नंदन न शिशुपाल ए नव जौवनांचित सखी माने तमे समस्ते सुनो मो भाई रुक्मण लिखी थे प्रणय दम घोष नंदन शिशुपाल नव जौवनांचित हे मोर सुनानाखी भौणी रुक्मिणी हे मोर अलीअली भौणी रुक्मिणी मु स्थिर करी दम घोषंकर प्रिय पुत्र शिशुपाल जहार रूप अत्यंत सुंदर अत्यंत मनोहर अत्यंत साहसी प्रवीण से शिशुपाल सहित तोर विवाह जेते बेले मो भाई रुक्मण पत्र को पढ़ी मु जान ली जे मो भाई रुक्मण चाहती मो शिशुपाल को विवाह करे शुणब सखी माने सखिलो मु कौन कली जानी छ आउ को पत्र रे मो मत को मु लेखिलिनि सेई श्लोक को सामान्य संशोधन करी मोर मत को मु जणाई देली हां मु मत कोण तो जणाई देली ना सेई श्लोक को लेखितिले कोण लेखितिले ना सिए लेखितिले प्रणय रे दम घोष नंदन ना शिशुपाल नव जौवनांचित मु लेखिली हे मोर पूज्य भातृदेव मोर प्रणय रे मम घोष नंदन पशुपाल नव जौवनांचित से लेखिले प्रणय रे दम घोष मु दम को काटी देली
तम बदल लिखिली मम घोष अर्थात मोर घोष नंदन गोपाल नंदन कृष्ण दरकार सी लिखी शिशुपाल नव जौवन चिते मो शिशु को काटिदेली लिखिली पशुपाल नव जौवन चिते मु लिखिले हे मोर पूज्य भातृदेव मोर शिशुपाल दरकार नहीं मोर पशुपाल दरकार अर्थात ये गोधन पालक कृष्ण मोर दरकार रे गोधन पालक कृष्ण मोर दरकार शुणब सखी मान जिते बड़े मोर भाई तो हस ये बड़े फुटिला हाँ मोर भाई रुक्मण मोर पत्र को पढ़े जान ले जे मो भौनी रुक्मिणी चाहूची कृष्ण को विवाह करिवो गर्जन करी उठिले गर्जन तर्जन करी मो भाई रुक्मण कहिले ये रुक्मिणी रो एते बड़ो साहस मो रूप मो भौनी रुक्मिणी कहूची कृष्ण को विवाह करिवो असंभव असंभव तेणु मो भाई रुक्मण परा मो बंधु प्रियतम कृष्ण को आज केते गाली दई थिले सुनिबो केते गाली दई थिले केते गाली दई थिले मौसा टिके जीवा जतुमणि साहित्य आसला प्रबंध पूर्णचंद्र काव्य जदुमणि महापात्र लिखिले राजकन्या रुक्मिणी कहुछ कहुछ सखिल शुण मो भाई रुक्मिणी केमिति गाली देले शुणिबो राग होची चुखी कौन ए दलिता जन प्रकार कृष्ण रूप टा चिकन कला कालियाटा राजवंश रे से जन्म हेनी गोपाल पुअ रूप रे विश्व रे परिचय पाउछि हाथ रे वीर भूषण नाही बाउंश काठी खंडे धरिकिरी छिड़ा हेछि मथारे राज मुकुट नाही मयूर पुच्छ को आणिकि बांधिछि ये गोलार अलंकार नाही ए बणर काई
ଘୁଞ୍ଚକୁ ଆଣି ମାଳା କରି ପିନ୍ଧି ଯାଇଛି ସେତିକି ନୁହଁ ମୋ ସଣ୍ଢାସୁରକୁ ବକାସୁରକୁ ବଧ କରିଛି ସେଟା ବାପିଟା ଲମ୍ପଟିଆ କପଟିଆଟା ସିଏ ପୁଣି ବିବାହ କରିବ ମୋ ଭଉଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛି ହେ ସଖୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ରୁକ୍ମଣ ଏ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଆଜି ଗାଳି ଦେଲେ ଅପମାନ କରିଦେଲେ ମୁଁ କେମିତି ସହିବି କୁହ ସଖୀ ମାନେ ମୁଁ କଣ କେବେ ମୋ ପ୍ରିୟତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି କି ତେଣୁ ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ସଖୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସଖିଲୋ ଆଲୋ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲାଣି କଣ ତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ପାଇବନି ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଜି କହୁଛି ସଖୀ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି ରହ କେମିତି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟ ପଦଟିଏ ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଆଜି ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କଣ କହିଲା ଦାସିଏ ହେଲେ ଭାସି ଏ ଚିନ୍ଦା ରାଶି ନାସିବ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଭାସିଗଲା ପରି ମୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଭାସି ଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ପ୍ରିୟତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖି ପଠେଇବି ବାବୁରେ ପତ୍ର କଣ ଲେଖିଲେ ପତ୍ରରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ବାବୁରେ
ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି। ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଜି ପ୍ରିୟତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଲେଖି ପଠାଉଛି। କଣ ଲେଖି ପଠାଇଲା ଏ ବିଜ୍ଞାନ ବାବୁ ମନେ ରଖ ଗୋଟି ଗୋଟି ଶ୍ଳୋକ। ରୁକ୍ମିଣୀ କଣ ଲେଖିଲେ ମଉସା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖା ହଉଛି ଆସିବ କଣ ବାବା ନା ଶ୍ରୁତ୍ୱା ये गुणान भुवन सुंदर सुणंग दे विश्वकर्ण को हर हर दंग रूपृषि मखिलार्थ लाभ चुता विश्व सुक्रम पत्र भक्त ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଜି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୁଣାନ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣଙ୍ଗତେ ହେ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣକୁ କର୍ଣ୍ଣ ବିଳରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗତାପ ହରଣ ହୁଏ ରୂପଂ ଦୃଶ୍ୟଂ ଦୃଶ୍ୟମତା ମୋକ୍ଷିଳାର୍ଥ ଲାଭଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମହନୀୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଅନନ୍ତ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ହୃଦୟର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖୁଛି ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ନା ଧୀରାବତୀ ଗୁଣବତୀ ନବୃଣୀତ କନ୍ୟା କାଳେ ମୁକୁନ୍ଦ ନର ଲୋକ ମନୁ ଭୀରାମ ଗାତୁଆ ମୁକୁନ୍ଦ ମହତୀ କୁଳଶୀଳ ରୂପଂ ବିଦ୍ୟା ବୟୋ ଦ୍ରାବିଣଂ ଧାମ ଭୀରାତ୍ମ ତୁଲ୍ୟମ। ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଜି ଲେଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରିୟତମ ଧୀରାବତୀ ଗୁଣବତୀ ନବୃଣୀତ କନ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଯୁକ୍ତ ମହତ ଘରର ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ମୋ ମତରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ ଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆପଣ ଧନବାନ ଆପଣ ଯଶବାନ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତିବାନ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଏ ଜୀବନଟା ମୋର ସାର୍ଥକ ହେବ ଧନ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି। ଏ ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜକନ୍ୟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତରେ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏ ସ୍ୱଭାବିନୀ ତମ ଜଣେ ବହନେ ବିଦର ଏ ତନ୍ମେ ଭବାନ ଖଳବୃତ ହ ପତିରଙ୍ଗ ଯାଇ ମାତ୍ମାର ପିତାଶ୍ଚ ଭବ ତତ୍ର ବିଭୋ ବିଦେହି ମାବୀର ଭାଗମ ବିମର୍ଶ ତୁ ଚଦ୍ୱାରା ଗୋମାୟୁ ଜନ ମୃଗପତେ ବଳି ଅମ୍ବୁଜାକ୍ଷ ହେ ଅମ୍ବୁଜାକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଭାବିନୀଟି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବିନୀକୁ ଛଡ଼ାଇ ନବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତି ରାଜ୍ୟର ଶିଶୁପାଳ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମୋ ମତରେ ସେ ଚେଦି ରାଜ୍ୟର ଶିଶୁପାଳ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ପରି ମୁଁ ହଉଛି ସିଂହ ଭୋଗିଆ ଯେପରି ସିଂହ ଭୋଗିଆ ପଦାର୍ଥକୁ ଏ ବିଲୁଆଟା ଗ୍ରହଣ ନ କରେ। ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଜି ଲେଖୁଛି ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଲେ ଇଏ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟ ଦତ୍ତ ନିୟମ ବ୍ରତ ଦେବ ବିପ୍ର
गुर्भचनंदिभिरलं भगवान परेशः आराधितो यदि गदाग्रजयेत्य पाणे गृह्णातु मे नदम घोष ये सुता दयने राधा कन्या रुक्मिणी आज प्रेम पत्र लिखुची हे केशव हे दिन बंधु प्रत्येक नारी मैंने पुरुष मान को पाइबा जहा जहा नीति नियम कर्म पालन करती जन्म रे ब्राह्मण पूजा अतिथि पूजा देव पूजा समस्त सत कर्म करूछि समस्त सत कर्म जे परे मोर व्यर्थ न हुए ये समस्त सत कर्म जमिति मोर नष्ट हो न जाए ये प्रियतम ये प्राण बल्लभ तुम बिना मोर गति मुक्ति लाई तुम बिना मु बंची पारि लाई तुमको पाइले ये जीवन टा सार्थक हेब धन्य हेब आपण मत नहीं जान राजकन्या रुक्मिणी आज लिखुची मो बापा सातटा श्लोक आज व्यासद लिखी चार श्लोक गलान विचारक मंडल हाउ हाउ ठीक अच्छे चारोटी श्लोक जानिटा श्लोक रहा मोर भाई जदि से जानी थे श्लोक पढ़े ना छाड़ हाउ बाबूरे राजकन्या रुक्मिणी प्रेम पत्र लिखी पठाऊ टे राग आसब दक्षिणी दक्षिणी राग दे छाड़ी देवा टे बाबा चमर देनी बाबू टे मो भाई टे सहयोग कर साउंड टे कि बाबा राजकन्या रुक्मिणी आज प्रेम पत्र लिखी पठाऊ मऊसा ओडिया साहित्य जदुमणि महापात्र लिखिले शैलेन्द्र आगछ ये सात पद चिठी रु गोटे पद चिठी पाठ करवा कौन रुक्मिणी आज प्रेम पत्र केमी लिखिले निगम बने तार फूल गासी कर मंजुब जोड़ा काली गुच्छा भवती भवानं तारिणी।
ছাড়ি দেশি কথা অর্থ করবানি না বাবা মানে জাঁচি স্যার মানে জাঁচি যদি ভৌণী তাই পদ জাঁথি মু জাঁচি সে অর্থ করেদেবে বিষয়বস্তু নেবে নেবে বাবুরে তেমন রাজকন্যা রুক্মিণী প্রিয়তম কৃষ্ণ পাখকু হৃদয়ের সমর্পণ ভাবকু পত্রর স্থান দেই পত্রটি মুদ দেই আজ্ঞা কণ কলে জেজ চিঠিটা সেতবে যাওয়া কমিটি এবার যাচ্ছি কমিটি বেশি কিছু কহা মো সময় না ধ্যান দেবে মো যুবক ভাই ভৌণী মানে ইয়ে রাজকন্যা রুক্মিণী কমিটি প্রেম পত্র লিখি পঠাইলা কাহা হাতের পঠাইলা মথুরা মঙ্গল কাব্য ভক্ত চরণ দাস লিখলে এই পদটা গাইদবা তাপরে যা বাবুরে মথুরা মঙ্গল কাব্য ভক্ত চরণ দাস কন লিখলে এ বাবা টিকে কল্যাণ আহারি আসব কেমিতি না হেমন্ত হেমন্ত মথুরা মঙ্গল কাব্য ভক্ত চরণ দাস লিখলে প্রেম পত্রটা কেমিতি পঠাইলে কন কন সব চিত্র অঙ্কন করে পঠাইলে না হেমন্ত লিখিল মো বাপা মথুরা মঙ্গল কাব্য ভক্ত চরণ দাস কথা লিখলে রাজকন্যা রুক্মিণী প্রিয়তম কৃষ্ণ পাখকু সমর্পণ ভাব দেই গোটে মন্ডা কুসুম আনিলে সে পত্র ভিতরে রখিলে পত্রটি মুদ দেলে বন্ধ করে দেলে সে পত্র উপরে গোটিয়ে শিবঙ্ক চিত্র অঙ্কন কলে মা মানে ধ্যান দিয়ন্তু বর্তমানে যে প্রেম পত্র চালিছি হোয়াটসঅপরে নারী মানকর উল্লগ্ন চিত্রপট চালিছি হিরো হিরোইন মানকর অশ্লীল চিত্রপটকু পুয়া ঝিয়ঙ্ক ভিতরে আদান প্রদান করুছন্তি কিন্তু রাজকন্যা রুক্মিণী কেমিতিয়া বিচার ধারা তার শিবঙ্ক চিত্রপট অঙ্কন কলা হনুমান চিত্র অঙ্কন কলা সর্প চিত্র অঙ্কন কলা শিবঙ্ক চিত্র অঙ্কন করিবার উদ্দেশ্যটা কোন না রাজকন্যা রুক্মিণীর বিচার শিব হেউচন্তি মঙ্গলর প্রতীক যদি এ পত্রটি বাটরে যাওথিলা বেলে যদি বিপদ থাকে তাহলে শিবঙ্গ চিত্রপট রহিলে এ পত্র উপরে বিপদ আসিব নাহি রে দ্বিতীয়রে হনুমান চিত্র অঙ্কন করেছিলেন কাহিকি হনুমান চিত্র অঙ্কন কলে না রাজকন্যা রুক্মিণীর বিচার হনুর শত্রু হচ্ছে সূর্য সূর্য আজ্ঞা হনুকু ভয় করে থাকে এ যে মুন্ডা কুসুমটি যাচ্ছি সূর্য কিরণ পড়লে
मुंडा कुसुमटी सुखी जीव तेणु हनुमान चित्रपट रहिले सूर्य हनु को भय करी ये प्रियतम पाख को जाउतिबा मुंडा फूल उपरे ज्योति विस्तार पकाइबे नाही तेणु अमलिन अवस्था रे शुभ्र अवस्था रे पहुंचि जीव सर्प चित्र अंकन करिवार उद्देश्य टा कोन राज कन्या रुक्मिणी रो विचार सर्प पवन को दैनदिन आहार करे आज्ञा पवन तार आहार तेणु रुक्मिणी रो विचार मुंडा कुसुमटी जत बेले जाउछि पवन बाजिले फुलटी आज्ञा सुखी जाए मौली जीव तेणु ये सर्प चित्र रहिले ये जेते पवन दुनिया रे बहिबा सब पवन को ये सर्प आहार करिबा मो प्रियतम कृष्ण पाखरे अमलिन अवस्था रे शुभ्र अवस्था रे जाजुल्य अवस्था रे ये मंडा कुसुमटी जाई पहुंच जीव मो प्रियतम पाई पारिबे मते मध्य उद्धार करि पारिबे